पाकिस्तान में आतंकियों ने बसों से उतारकर 23 लोगों को गोलियों से भून दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने ये भयानक हमला किया है। हमलावरों ने पाकिस्तानी पंजाबियों को चुन चुनकर उन्हें मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज सुबह आतंकियों ने 23 लोगों को बसों से उतार उतार कर उन्हें गोली मार दी। आतंकियों ने पहले लोगों की जाति पहचान की, उसके बाद उन्हें गोली मारी है, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब के लोग शामिल हैं। पाकिस्तान में हुए इस हमले को लेकर पाकिस्तानी अखबार डॉन ने छापा कि ये वारदात बलूचिस्तान के मूसा खान जिले में हुई है, जहां हथियारबंद हमलावर वहां से गुजरने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें गोली मार रहे थे। इन हमलावरों ने 10 गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जब ये हमला हुआ तो सभी हमलावर बंदूक लेकर हाईवे पर खड़े हुए थे। इस घटना से जुड़े जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है कि ये आतंकी गाड़ियों में सवार लोगों से उनकी जाति पूछ रहे हैं और फिर उन्हें गोली मार रहे हैं, जिसके बाद हाईवे किनारे लाशें बिछी हुई हैं, गाड़ियां जल रही हैं और चारों तरफ दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। इस घटना में 23 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा करते हुए जान गंवाने वाले लोगों के लिए माफी मांगी है। शहबाज शरीफ ने अधिकारियों को घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। यह घटना पाकिस्तान की हकीकत को भी बयां कर रही है कि वहां का कानून किस तरह से कानून व्यवस्था की चरमरा गई है।